हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बर्फ़ी कितनी परफेक्ट लग रही है। ये बर्फ़ी बहुत ही परफेक्ट बनती है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो विद इन 10 मिनट्स में आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका टेक्सचर यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, आप देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी हमारी बनी है। तो आप इस बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। पर बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले 2 टेबलस्पून देसी घी के लिए हैं। जब देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने रोस्टेड चना दाल ली है, जो बाज़ार में मिल जाती है आराम से। इससे बहुत जल्दी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको हमने 2 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको गोल्डन ब्राउन करना है। अभी आप देखें इस तरह का कलर करना है। अभी इसको मैं निकाल कर एक प्लेट में रख लूँगी, जब तक कि ये ठंडी ना हो जाए। जब ठंडी हो जाएगी तब इसको ब्लेंडर में चलाकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो अभी सेम फ्राई पैन में मैं 4 टेबलस्पून देसी घी के और डालूंगी, और जो हमने चना दाल को रोस्ट करके रखा था उसका पाउडर मैंने बना लिया है, वो डाल दूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो फ्रेंड, जो गैस का फ्लेम है वो मैंने लो टू मीडियम रखा है। इसको 1 मिनट लगेगा मिक्स होने में, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्ट है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है खोए का, ये मैंने घर पे बनाया है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, इससे हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून इलायची का पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, तेज पर नहीं करना है इसको। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध का लिया है। जिस कप से मैंने दाल का मेजरमेंट किया था उसी कप से मैंने 1.5 कप दूध का लिया है, और दूध को मैं 2 बार डालूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से दूध में केसर डाल के रखा था, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, पर ये ऑप्शनल है। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा, एक थिक सा डो बन जाएगा और फ्राई पैन को छोड़ देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर का डाल दिया है, और यहाँ पे 3 टेबलस्पून देसी घी के मैंने और डाले हैं, और सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो जिस कप से मैंने दाल का मेजरमेंट किया था उसी कप से मैंने शुगर ली है, और इसका जो मीठा है बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया था। तो अगर आप जो मीठा है कम या ज़्यादा खाते हो वो आप उस हिसाब से कर सकते हो, पर 1 कप में 1 कप जो शुगर है बिल्कुल ठीक है। और इसको लगातार चलाते हुए हमने मिक्स करना है, जब तक कि ये फ्राई पैन को छोड़ ना दे। शुगर मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर और भी अच्छा आता जाएगा। तो अभी आप देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसको लगातार चलाना है। अभी आप देखें इसने फ्राई पैन को छोड़ दिया है, पर फिर भी इसको फ्राई पैन को जब जब छोड़ देगा 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फिर भी हिलाते जाए। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाना है। तो इसके बाद इसको मैं ग्रीस की हुई किसी प्लेट में निकाल लूँगी जमने के लिए, और इसको इसका लेवल जो है वो एक जैसा कर दूँगी। और इसके बाद इसको मैं गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। और अभी हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको 30 मिनट लगेंगे, अगर फ्रिज में रखते हो तो 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद इसको अपने मनपसंद पीसीस में काट लीजिए और इंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।